अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हुए आपको अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने घर की टूटी हुई प्लास्टिक की चीज़ों को रिपेयर कर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आप प्लास्टिक को स्टिच कर सकते हैं घर पे, बहुत ही आसान है सिंपल मेथड से। होपफुली कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी वाली जो नीडल होती है उसको हम लोग गर्म कर लेंगे, तो और उसके बाद आप कोई भी प्लास्टिक का ले लेंगे जिसको आपने रिपेयर करना है। मैंने यहाँ डस्टबिन ले ली है हम लोगों ने, जिसको जो इस तरीके से जिसके ऊपर क्रैक लग गया है, तो उसके बीच में इस तरीके से आपने जो बड़ी वाली नीडल होती है उसको गर्म करके इसके साथ साथ जहाँ क्रैक लगा हुआ हो उसके साथ साथ इस तरीके से होल करते जाना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं कैंडल की मदद से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप चूल्हे के पास खड़े होकर करें, उससे ये होल बहुत जल्दी जल्दी होते जाएंगे। और यहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक से होल बन रहे हैं ये भी नहीं बनेंगे, बिल्कुल वाइट बनेंगे। ये कैंडल की वजह से थोड़े से ब्लैक आ रहा है, लेकिन अगर आप चूल्हे के पास खड़े होकर इसको करेंगे, होल करेंगे, तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होल बनेंगे। अब इन दो जो होल है ये यहाँ पे जो हमने बनाए हैं इनके दरमियान में करना है। यहाँ पे इस तरीके से दूसरी लाइन जो हम लगाएंगे इन दो होल्स के दरमियान में इस तरीके से लगाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें अभी जो होल बन रहे हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन रहे हैं, तो इसी तरीके से जब आप चूल्हे के पास करेंगे तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होल बनेंगे, ये ब्लैक ब्लैक बिल्कुल नहीं बनेंगे और बहुत जल्दी भी बन जाएंगे क्योंकि नीडल जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी। उससे इस तरीके से हमने क्रैक वाले पार्ट पर साथ साथ इस तरीके से लगाते जाना है, होल को होल बनाते जाना है। ये देखें इस तरीके से जिस नीडल से आपने स्टिच करना है उसी नीडल के साथ होल बनाने हैं। ये बड़ी वाली मैं यहाँ पे बड़ी वाली नीडल ली है जिसके साथ हमें स्टिच करना है। इस तरीके से उस होल को थोड़ा सा लूज़ करना है ताकि ये नीडल जो है इसके अंदर से गुजर जाए प्रॉपरली। हल्की सी इस नीडल को गर्म करके इस तरीके से स्ट्रेच करना है होल्स को, ताकि इसके अंदर से ये नीडल अच्छे से गुजर सके जब हम इसको स्टिच करें। यहाँ पर देखें इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे इन होल्स को सारों को, और ये नाइफ़ की मदद से इसके ऊपर जो प्लास्टिक की थोड़ी सी लेयर आ गई थी उसको स्मूथ कर लेंगे रगड़ कर इस तरीके से। देखिए होल स्मूथ हो चुके हैं। अब नीडल में डबल तार हम लोग धागा लाल डालेंगे और इसको मज़ीद इस तरीके से चार तह करके गिरा लगा देंगे। तो उसके बाद हमने स्टार्ट किस तरीके से लेना है, कुछ इस तरीके से लेना है, ऊपर से नीडल को डालना है और उसके बाद दूसरे होल से बाहर की तरफ लेके आना है, और इस तरीके से जहाँ हमने नॉट लगाई थी उसको खोल के उसके अंदर से इस तरीके से गुजार कर यहाँ पे एक और नॉट लगा के इसको पक्का करना है, और उसके बाद दोबारा उस होल से गुजारना है और फिर नेक्स्ट होल से निकालना है। इस तरीके से हमने इसको स्टिच करते जाना है। यहाँ पे देखिए इसको टाइट करके स्टिच करना है। इसी तरीके से हम कम्प्लीटली ऊपर तक स्टिच कर लेंगे। इसी तरह आप किसी भी अपने घर की प्लास्टिक की जो चीज़ है जिसको आप दोबारा यूज़ करना चाहते हैं उसको इस तरीके से आप स्टिच करके यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप वो जो जो हमारी जो टूट चुकी होगी, जैसे ये हमारी डस्टबिन थी जो टूट चुकी थी, लेकिन अगर मैं हम इसको ये स्टिच कर लेंगे तो हम इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको स्टिच नहीं करते हैं तो ये मज़ीद टूटती जाएगी उसी जगह से। तो एटलीस्ट ये फ़ायदा होता है अगर जब हम स्टिच कर लेते हैं कि वो चीज़ वहाँ से टूटना रुक जाती है और उसको आप दोबारा भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इस तरीके से आप घर में कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपकी प्लास्टिक की टूट चुकी है और आप उसको दोबारा यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से स्टिच करके आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दोबारा आप नहीं ख़रीद सकते या नहीं मिलती हैं, तो उसका यही हल होता है कि उसको आप इस तरीके से रिपेयर करें और उसको दोबारा यूज़ करें। जैसे आपके जो फ्रिज के नीचे वाला जो लास्ट में जो एक दिया हुआ होता है प्लास्टिक का टब सा, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह रखते हैं, अगर वो हमारा टूट जाता है तो उसको भी हम रिपेयर इस तरीके से कर सकते हैं क्योंकि वो दोबारा से आपको बाज़ार में नहीं मिलता। लेकिन आप उसको अगर रिपेयर नहीं करेंगे तो वो मज़ीद टूटता जाएगा और वेस्ट हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखें इस तरीके से सारी स्टिच कर ली है और इसके बाद लास्ट में हम इसको इस तरीके से पक्का करके नॉट लगा देंगे और इसको कट कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप जिस प्लास्टिक को भी स्टिच करना चाहते हैं सेम धागे से स्टिच कीजिएगा। मुझे यहाँ पे आपको दिखाना था क्लियर, इसलिए हम लोगों ने डिफरेंट थोड़ा धागा यूज़ किया है। और देख सकते हैं इस तरीके से ये स्टिच हो चुकी है और अब हम इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं।
इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पे फ्रिज का जो लास्ट वाला जो जिसमें हम लोग बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रखते हैं, ये भी हमारा टूट गया था और हमने इसको इस तरीके से स्टिच करके दोबारा यूज़ कर लिया है। एक टोकरी थी वो भी टूट गई थी किनारे से, उसको भी स्टिच करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं आप इस तरीके से। यहाँ पे देखें एक जूता प्लास्टिक का है, वो भी टूट चुका था एक साइड से, लेकिन उसको भी स्टिच करके हमने दोबारा यूज़ किया है। इसी तरह प्लास्टिक की सारी चीज़ों को आप दोबारा थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी मदर इन लॉ की एक स्पेशल ट्रिक थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी है और नेक्स्ट कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक के बिना बिल्कुल मत जाइएगा। नेक्स्ट अगेन बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।